ये एक इजरायली कंपनी है एनएसओ, ओके, और इन्होंने ये सॉफ्टवेयर बेचा है, ठीक है, पेगासस स्पाईवेयर, ओके, को मुझ पर नजर रखना है, ठीक है। तो आपको कुछ दो चार नंबर्स मिलेंगे, ठीक है, आपको लगेगा कि अच्छा मैंने मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चार पांच नंबर दे रखा है कि ठीक है आपको अगर मेरे इस कोर्स में एनरोल करना है, मुझसे कोई डाउट पूछना है तो आप इन इन नंबर्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ना। तो आप क्या करेंगे, आपको नहीं पता कि मैं कौन सा फोन यूज कर रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, आप चारों पांचों फोन नंबर्स लगा देंगे ट्रैकिंग पे, है ना। सो आपने चारों पांचों फोन नंबर्स को ट्रैकिंग पे लगा दिया, ठीक है। अब उसमें से कोई ना कोई एक ही तो यूज निकलेगा जो मैं यूज कर रही हूँ, राइट। अब इलीगल तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन लिया गया है इसको यूज किया जा सकता है किसी भी संस्थान को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। संस्थान को कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब क्या है, अब मान लीजिए कि मुझ पर कोई नजर रख रहा है, ठीक है, मुझ पर कोई नजर रख रहा है, मैं अपने निजी जीवन में क्या कर रही हूँ, अब वो इन्फॉर्मेशन लेके मुझे लोग कुछ भी करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो मेरी संस्थान को एक तरह से मैं अगर कुछ करूंगी तो मेरा संस्थान भी वही करेगा, है ना। तो इस तरह से इलीगली इन्फॉर्मेशन अगर किसी के लिए किसी के खिलाफ प्राप्त किया गया है, इसका प्रयोग करके इंस्टीट्यूशंस को, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है।